Good morning, students. I am Dr. Smriti Johari, Associate Professor, Zoology, Government JDB Girls College, Kota. हमने पहली क्लास में हेमिकॉर्डेटा का जो एग्जाम्पल था बेलेनोग्लॉसस उसके बारे में हमने रीड करना शुरू कर दिया था. डिटेल्स में इसके सारे सिस्टम्स और मॉर्फोलॉजी हमने डिस्कस करनी स्टार्ट कर दी थी. पिछली क्लास में मैंने आपको बेलेनोग्लॉसस का रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था. आज हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे. फर्स्ट क्लास जो थी बेलेनोग्लॉसस की, मैंने आपको उसमें, अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने आपको इसकी मॉर्फोलॉजी बताई थी, यानी कि बाहर से वो कैसा दिखता है या उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं. इसमें मैंने आपको बताया था द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक रीजन. तो अब आज हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें आपको बताऊं कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसी भी एनिमल का, इट बिगिंस फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस. माउथ से शुरू होकर एनस पर ये समाप्त होता है. और मैंने ये भी बताया था कि बेलेनोग्लॉसस एक यू ट्यूब बरो बनाकर, यू शेप बरो बनाकर उसमें रहता है. तो आइए अब हम इसके डिटेल्स में स्टडी करते हैं कि व्हाट इज दी, व्हाट ऑल ऑर्गन्स कंप्राइज दी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लॉसस. तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है. एलिमेंट्री कैनाल कंप्राइजेस ऑफ दी डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी. एलिमेंट्री कैनाल एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस पे जो मेसेंट्रीज प्रेजेंट होती हैं उनसे इसको सपोर्ट मिलता है. और उसमें एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे. सबसे पहले होगा माउथ, फिर बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन एंड एनस. तो ये सिक्स ऑर्गन्स हैं या सिक्स स्ट्रक्चर्स हैं जो सब मिलकर बेलेनोग्लॉसस का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे. अभी जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ये है TS through the pharynx या pharyngeal या branchiogenital region. मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो प्रोबोसिस होता है तो एंटीरियर एंड होता है. प्रोबोसिस और कॉलर के बीच में एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जहाँ पे कि एक जहाँ पर कि बेलेनोग्लॉसस का माउथ सिचुएटेड होता है या प्रेजेंट होता है. अब हम जब प्रैक्टिकल क्लास में जाते हैं तो हमको बेलेनोग्लॉसस के डिफरेंट स्लाइड्स या डिफरेंट ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में स्टडी करने को दिया जाता है. उसमें TS थ्रू फारिंग्स, TS थ्रू गिल रीजन, TS थ्रू ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, इस तरह से बहुत सारे अपन के पास सेक्शंस आते हैं पढ़ने के लिए. तो उसके लिए हम इन डायग्राम्स को रेफर कर सकते हैं. ये वाला डायग्राम तो फारिंग्स का ट्रांसफर सेक्शन या ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन का ट्रांसफर सेक्शन है. ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन मतलब कि जहाँ पे रेस्पिरेशन एज वेल एज जो उसके गोनैड्स वो प्रेजेंट होंगे. इसके बारे में मैं जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करेंगे उसके बारे में मैं आपको ये स्ट्रक्चर तब समझाऊंगी ट्रांसफर सेक्शन का. तो सबसे पहले हम माउथ पे चलते हैं कि माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है. अब जो एनिमल था ये वर्म लाइक एनिमल था और इसमें वर्म लाइक बताया था, सॉफ्ट बॉडी था, इसको अकॉर्न या टंग वर्म भी कहते हैं. अब माउथ कहाँ सिचुएटेड होएगा. माउथ इसके वेंट्रल सरफेस पर सिचुएटेड होता है और प्रोबोसिस का जो बेस होता है, एक तो एंटीरियर एंड होता है और एक बेस होता है, तो प्रोबोसिस के बेस पर ये प्रेजेंट होता है. और ये कैसा होता है, एक सर्कुलर अपर्चर या छिद्र के जैसे, राउंड ओपनिंग जैसे होता है ये. और इसमें दो सेट्स ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं, एक तो रेडियल मसल फाइबर्स होते हैं और दूसरे कंसेंट्रिक मसल फाइबर्स होते हैं. रेडियल मसल फाइबर्स क्या करेंगे, इस माउथ को खोलने का काम करेंगे. रेडियल मतलब जैसे हमने स्टारफिश के रेडियल आर्म्स देखे थे चारों तरफ जो थे, तो इस तरह से ये रेडियाई पे प्रेजेंट होंगे. माउथ की रेडियाई पे ये रेडियल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे मसल्स के, जो कि माउथ को खोलने में या बड़ा करने में सहायता करते हैं. और दूसरा कंसेंट्रिक मसल फाइबर्स होते हैं, कंसेंट्रिक मींस सर्कल में प्रेजेंट हैं, विच हेल्प टू क्लोज द माउथ.
तो माउथ इज सराउंडेड बाय टू पेयर्स ऑफ टू सेट्स ऑफ मसल फाइबर्स, एक तो रेडियल मसल फाइबर्स है और दूसरे हैं कंसेंट्रिक मसल फाइबर्स, ठीक है। तो ये तो माउथ के बारे में बताया। अब दूसरा जो अपना ऑर्गन था दैट वॉज दी बकल कैविटी। अब बकल कैविटी का क्या कार्य होगा? बकल कैविटी कैसी होती है? बकल कैविटी इट इज अ शॉर्ट ट्यूब, शॉर्ट ट्यूब है बकल कैविटी एंड इट ऑक्यूपाइज द कॉलर रीजन। माउथ तो देखो प्रोबोसिस के बेस में प्रेजेंट है, अब दूसरा रीजन क्या आ गया उसका? कॉलर रीजन। तो कॉलर रीजन में माउथ किस में लीड करेगा, किस में ओपन करेगा? इनटू अ शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होएगा वो, जो कि बकल कैविटी कहलाती है। और इसमें एक स्टिफनेस प्रदान करता है, काइटिनस स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बकल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। बकल डाइवर्टिकुलम इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, जिससे वो कोलैप्स नहीं हो। और वहाँ पर क्या होगा कि जो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये हॉलो होता है और इसको हम बकल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। फिर क्या होगा कि इसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है वहाँ पे क्या सेल्स प्रेजेंट हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं ग्लैंडुलर ग्लोबलेट सेल्स, जो कि अपने सिक्रीशंस पास ऑन करते हैं। तीसरा है फेरिंग्स। अब देखिए माउथ किस में खुला? छोटी सी ट्यूब में, जो कि बकल कैविटी थी। अब बकल कैविटी किस में खुल रही है? इनटू अ फेरिंग्स। अब फेरिंग्स कहाँ पाया जाता है? फेरिंग्स ब्रैंकियल रीजन में पाया जाता है। ब्रैंकियल रीजन मतलब जैसी ट्रंक रीजन स्टार्ट होगा तो फेरिंग्स ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो ब्रैंकियल रीजन में प्रेजेंट होगा। फिर क्या होगी? साइड वॉल्स जो होंगी फेरिंग्स की वो रिजेस एंड फरोज होंगे, मीन्स उसमें फोल्ड्स हैं, उनको हम पैरा ब्रैंकियल रिजेस कहते हैं। ये देखो यहाँ पे हमको दिखेंगे कि उसमें थोड़े से प्रोट्रूजन्स हैं और थोड़े से डिप्रेशन हैं या फोल्ड्स हैं, उनको हम पैरा ब्रैंकियल रिजेस कह रहे हैं। दीज रिजेस क्या करेंगे? ये फेरेंजियल ल्यूमन को दो भागों में बांट देते हैं। ल्यूमन मतलब कैविटी, फेरिंग्स की जो कैविटी, क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एलिमेंट्री केनाल क्या है? इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एलिमेंट्री केनाल में माउथ हो गया, माउथ मसल से ऑपरेट कर रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है। फिर छोटी सी ट्यूब आ गई, उसको हम बोलेंगे बकल डाइवर्टिकुलम, जो बकल कैविटी हो गई। उसके बाद फेरिंग्स आ गया, फेरिंग्स भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो हॉलो रहता है, उस हॉलो चीज़ को हम ल्यूमन कहते हैं। अब यहाँ पे जो पैराब्रैंकियल रिजेस हैं उसको फोल्ड्स जो है वो ल्यूमन को, ये इस कैविटी को दो भागों में बांट रहे हैं, एक तो डॉर्सल ब्रैंकियल पार्ट और दूसरा वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन। अब डॉर्सल ब्रैंकियल पार्ट क्या करेगा, ये क्या होता है उसमें? ये परफोरेटेड होता है, इसमें दो रोज होते हैं यू शेप्ड गिल स्लिट्स के, जो कि उसको रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। गिल स्लिट्स मैंने आपको पिछली क्लास में जब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम समझा रही थी तो उसमें मैं डॉर्सल ब्रैंकियल पार्ट्स के बारे में बताया था, गिल स्लिट्स के बारे में भी बताया था कि कैसे ये परफोरेशंस जो होते हैं गिल स्लिट्स के वो ब्रीदिंग में या रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और दूसरा हिस्सा जो पैराब्रैंकियल रीजेस जो बनाते हैं वो है वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन, ठीक है। डॉर्सल में तो गिल स्लिट्स प्रेजेंट हो गए, वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन में क्या होगा? यहाँ पे सीलिएटेड एपिथीलियम होगी, ग्लैंड सेल्स होंगे, सीलिएटेड एपिथीलियम होगी जिसके मूवमेंट से, सीलिया के मूवमेंट से फूड को पैसेज के लिए डायरेक्शन मिलेगा। ये क्या करेगा? सीलिएटेड एपिथीलियम ग्लैंड सेल्स क्या करते हैं? ये कलेक्शन और कंसनट्रेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स करते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इट इज़ द एक्वेटिक एनिमल, ये पानी से सराउंडेड है, बहुत स्लगिश है, स्लो, वेरी स्लो है। तो जो वाटर की करंट आती है, वाटर की करंट के साथ ही इसको जो फूड पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स मिलते हैं उनका ही, वो ही इसका भोजन बनाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथे वाले हिस्से पर, जो कि हम इसको कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस हमने और भी एनिमल्स के जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रखे हैं पहले क्लासेस में भी, तो हमें पता है ईसोफेगस इज आल्सो अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ईसोफेगस शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फेरिंग्स को इंटेस्टाइन से कनेक्ट करती है। अब क्या है, डॉर्सल रीजन जो होता है फेरिंग्स का वो पोस्ट ब्रैंकियल केनाल बनाता है, उसमें थिक फोल्ड्स होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथीलियम होता है, उसमें सिक्रीशंस होंगे उनके सेल्स में से। और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है ईसोफेगस का वो एक नैरो रीजन होता है और उसकी एपिथीलियम में डीप फरोज होते हैं, बहुत गहरे गहरे उसमें फोल्ड्स होते हैं। तो मींस सरफेस
एरिया बढ़ रहा है, जितने ज़्यादा फोल्ड्स होंगे इंटरनल फोल्ड्स, इंटरनल लाइनिंग में जितने ज़्यादा फोल्ड्स होंगे तो उतना ही सरफेस उसका एरिया एक्सपोजर टू फूड बढ़ेगा। ठीक है, अब पांचवा हिस्सा क्या था हमारे इसका एलिमेंट्री कैनाल का, वो था इंटेस्टाइन, जो लास्ट हिस्सा है। इंटेस्टाइन क्या होगा, इंटेस्टाइन कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ सिचुएटेड इन द ट्रंक रीजन। ट्रंक रीजन सबसे इलॉन्गेटेड, सबसे लॉन्ग रीजन है इस एनिमल का। और इंटेस्टाइन किस में, दो भागों में डिवाइड हो रही है, एक तो हिपैटिक रीजन और दूसरा पोस्ट हिपैटिक रीजन। अगर आपको ध्यान हो, एनिमल जो यू शेप बनाया था मैंने एनिमल का, तो उसमें हम दिख रहे थे हिपैटिक रीजन दिखाया था, उसमें हिपैटिक सेल्स भी दिख रहे थे। तो हिपैटिक रीजन कैसा है, इट इज़ हाईली वास्कुलर, मतलब रिचली सप्लाइड विद वेसल्स है। इसमें न्यूमरस हिपैटिक सीका है, हिपैटिक से आप समझो जो लिवर के कार्य होते हैं वो हिपैटिक सीका भी वही कार्य करता है। और ये सब डॉर्सल वॉल जो होते हैं एनिमल का उससे प्रोड्यूस होते हैं। अब ये सेल्स कैसे होंगे, डार्क ग्रीन या डार्क ब्राउन इन कलर होते हैं, जबकि पूरा एनिमल थोड़ा ल्यूमिनेसेंट होता है, लाइट ग्रीन पेल या लाइट ऑरेंज से कलर का एनिमल होता है। अब जो इसका पोस्ट हिपैटिक रीजन है वो कैसा होगा, पोस्ट हिपैटिक रीजन एक स्ट्रेट थिन वॉल्ड ट्यूब होती है और उसमें डोर्सोलेटरल ग्रूव्स भी होते हैं, एंड इट इज़ लाइंड विद सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होंगे उसमें। ठीक है, जो सीलिया क्या करेगा, मूवमेंट ऑफ द फूड या डाइजेस्टेड फूड का मूवमेंट एनहेंस करेगा। अब लास्ट वाला जो पार्ट है ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनाल इज द एनस। एनस टिप ऑफ द ट्रंक या लास्ट पॉइंट ऑफ द ट्रंक पर प्रेजेंट होता है, एक सर्कुलर अपर्चर के जैसे प्रेजेंट होता है, और इट इज़ सराउंडेड बाय स्फिंक्टर मसल्स, जो उसके आसपास स्फिंक्टर मसल्स हैं, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द एनस को फैसिलिटेट करते हैं। अब फूड एंड फीडिंग कैसा होता है बेलेनोग्लॉसिस का, हमने इसके एलिमेंट्री केनाल के सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया, अब इसमें फूड एंड फीडिंग कैसे होगा। फूड एंड फीडिंग बेलेनोग्लॉसिस कैसा है, इट इज़ अ सीलियरी फीडर। सीलियरी फीडर मीन्स सीलिया के मूवमेंट से जो वाटर में घुलनशील जो पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर ये निर्भर करता है। और किस क्या क्या चीज़ें खाता है, इट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो वाटर में प्रेजेंट होता है वो सीलियरी फीडिंग द्वारा इसके पास पहुँच जाता है। क्यों, किस किस के मूवमेंट से, लेटरल सीलिया होते हैं जो गिल स्लिट्स के, वो फूड लेडन जो वाटर करंट्स आती हैं, फूड जो आता है वाटर करंट्स के साथ, उन उन उसके हिसाब से सीलिया मूव करता है और बैकवर्ड की तरफ मूव करता है, जिसके कारण कि जो और ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स जो है वो माउथ को माउथ में आ जाते हैं, एंटर कर लेते हैं माउथ में, फिर माउथ से बकल ट्यूब में, फिर फेरिंग्स में, गिल स्लिट्स में, ब्रैंकियल सैक्स में होते हुए फिर ये गिल स्लिट्स को छोड़ते हुए बाहर चले जाते हैं। फूड पार्टिकल्स कैसे होते हैं, फूड पार्टिकल्स म्यूकस से, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था शुरू में ग्लोबलेट सेल्स थे यहाँ पे, और ये म्यूकस भी रिलीज होते हैं यहाँ पे, तो उन फूड पार्टिकल्स को म्यूकस से कवर कर देते हैं और एक म्यूकस स्ट्रिंग जैसी बन जाती है। म्यूकस स्ट्रिंग से ये फूड पार्टिकल्स इसमें अटैच हो जाते हैं या चिपक जाते हैं। एंड म्यूकस किससे सिक्रीट हो रहा है, ग्लैंड सेल्स ऑफ प्रोबोसिस, एंड ये इसमें इन सेल्स में म्यूकस में क्या होएगा, एमाइलेज एंजाइम होएगा, जो कि फूड का सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने में सहायता करेगा। अब डाइजेशन कहाँ होगा, डाइजेशन ऑफ द फूड इज ब्रॉट अबाउट इन द एलिमेंट्री कैनाल विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। अब कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो फूड फूड का सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट हैं इसके इन सेल्स में, इसमें हैं अमाइलेज, माल्टेज, लाइपेज, प्रोटीज। ठीक है, अब जैसे कि आपको पहले भी क्लास में पढ़ा है, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि ये सारे एंजाइम्स लिपिड को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, शुगर्स को, ये सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करेंगे, जिससे कि इनका एब्जॉर्प्शन हो सके आसानी से। अब ये सारे एंजाइम्स कहाँ कहाँ से रिलीज होंगे, फेरिंग्स से, ईसोफेगस से, हिप और हिपैटिक सीका से रिलीज के लिए जाते हैं ये एंजाइम्स, जो कि फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब देखिए ये वाला जो डायग्राम है, दिस डायग्राम की फूड पार्टिकल, ऊपर वाला रीजन प्रोबोसिस का है, प्रोबोसिस और कॉलर के बीच में जो माउथ है, तो फूड पार्टिकल्स वाटर में घुले हुए हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं ऑर्गेनिक, वो माउथ से सीलियरी एक्शन से ये माउथ से होते हुए बकल कैविटी
कैविटी में पहुंचते हैं, एरो से दिख रहा है, बकल कैविटी से फेरिंग्स में आ रहे हैं, फेरिंग्स में जा रहे हैं, गिल स्लिट्स में भी जा रहे हैं, और वाटर जो एक्सेस ऑफ वाटर है इट इज़ थ्रोन आउट फ्रॉम द गिल स्लिट्स, फिर ये ईसोफेगस में जा रहे हैं, फूड पार्टिकल्स गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक ब्लैक, ठीक है। अब वहाँ से होते हुए इंटेस्टाइन में जाएंगे, अब हिपेटिक सी का देखो कितने फोल्ड्स में है, फोल्ड्स में है मीन्स इट इज़ एक्सपोजर, एरिया ऑफ एक्सपोजर बढ़ रहा है इसका, ठीक है, जिससे कि है ना ये एंजाइम्स हमने बताया फेरिंग्स रीजन में, प्रोबोसस रीजन में, इंटेस्टाइनल रीजन में एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, तो ये फूड का भी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो चुका है और इनका एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो रहा है। इंटेस्टाइन में जाएंगे ये, हाइंड गट में पहुँचे एंड अल्टीमेटली जब एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये इन द फॉर्म ऑफ फीकल पैलेट्स दे आर थ्रोन आउट फ्रॉम द एनस। अब एनस के आसपास क्या होंगे, स्फिंक्टर मसल्स होंगे जो कि एनस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करेंगे। सो दिस इज द डायग्रामेटिक पाथ ऑफ फूड एंड रिमूवल ऑफ वाटर वाया गिल स्लिट्स इन द फैरिंग्स। तो ये डायग्राम आप जरूर बनाना, जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोग, या क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम बताना, आपको उसमें फूड का मूवमेंट दिखाना पड़ेगा, फूड के पार्टिकल्स का। और ये वाला डायग्राम है, ये TS थ्रू पोस्ट हिपैटिक इंटेस्टाइन दिख जाएगा, ठीक है, कि इंटेस्टाइन तो ल्यूमन है, ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे इंटेस्टाइन में इंटरनल फोल्ड्स हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं फूड का, और मस्क्यूलर लेयर्स होते हैं यहाँ पे इंटेस्टाइन के आसपास। तो दिस इज़ द पोस्ट हिपैटिक रीजन एंड दिस वॉज द फेरेंजियल रीजन या ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, यहाँ पे हमको गिल स्लिट्स और गिल सेप्टम भी दिखेंगे और इनका फोल्ड्स ऑफ द फेरिंग्स भी दिखाई दे रहा है। तो ये आप अच्छे से देखिए डायग्राम, अच्छे से लर्न करना, और डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वेरी सिंपल, इसको आप पढ़िए, इसके एंजाइम्स के बारे में ज़रूर लिखना और ये भी ऐड कर देना कौन सा एंजाइम कौन से वाले का ब्रेक डाउन करता है, कि प्रोटीएज प्रोटीन का करेगा, लाइपेज लिपिड्स का करेगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स का करेगा। तो ये सब तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में, मैं इसके नोट्स भी शेयर करूँगी, आप इनको पढ़ना, दोबारा पढ़ना, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक अप सम अदर सिस्टम ऑफ बेलानोग्लॉसिस एंड आई कॉल ऑफ माई क्लास। फिर भी कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, एंड इसको स्टडी ज़रूर करना। बेलानोग्लॉसिस इज़ वेरी सिंपल और इस पर हमेशा क्वेश्चन तो ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। तो टिल देन आई कॉल ऑफ माई क्लास, टिल देन बाय।